साथियों, भाजपा की दमदार सरकार का मतलब क्या होता है, ये हमारा अवध बेहतर जानता है। उससे भला अच्छा और कौन जान सकता है। यहां बाराबंकी से लोग राम नाम वाली ईंट लेकर अयोध्या के लिए पैदल निकले थे। जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे, और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। लेकिन आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण? अरे भाई, मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई, और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर वोट अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है।
सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, यार ऐसा तो कैसे हो सकता है, भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना, और देश के टुकड़े करने की बात आती थी, तो देश का हर व्यक्ति का, नहीं नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े सोते होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए, इन्होंने कर दिया कि न कर दिया, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। सामिया ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 सदर जमहूरिया हिंद इज्जत माँ मिसेस प्रतिभा पाटिल के हाथों हासिल किया। 2018 का नेशनल बिल्डर अवार्ड नकीबे मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी से हासिल किया है। मोहतरमा नादिरा अमीना, जिनकी निगरानी में स्मार्ट क्लासेस, तजुर्बेकार टीचर्स और कमजोर तलबा के लिए खसूसी क्लासेस का भी इंतजाम, फ्री एडमिशन, फ्री नोटबुक्स के अलावा फ्री यूनिफॉर्म। सामिया हाई स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, नियर वाटर टैंक, मुगलपुरा, हैदराबाद।